Ace is the place with the helpful hardware, folks. Ace is the only national retailer that carries Benjamin Moore paint, which means the paint you trust and a huge selection of colors are right in your neighborhood. And this Saturday only, you can pick up a free sample of Benjamin Moore at your local Ace. It's a great way to explore quality colors and find the perfect one for your place. So if you're looking for award-winning service and a new look for your home, look no further than Benjamin Moore paint at Ace. Offer valid August 1st for Ace Rewards members limit 1 at participating stores while supplies last. लीजिए सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी कजाकी वाचन समीर गोस्वामी का है मेरी बाल स्मृतियों में कजाकी एक ना मिटने वाला व्यक्ति है आज चालीस साल गुजर गए कजाकी की मूर्ति अभी तक आंखों के सामने नाच रही है मैं उन दिनों अपने पिता के साथ आजमगढ़ की एक तहसील में था कजाकी जाति का पास ही था बड़ा ही हसमुख बड़ा ही साहसी बड़ा ही जिंदा दिल वो रोज शाम को डाक का थैला लेकर आता रात भर रहता और सवेरे डाक लेकर चला जाता शाम को फिर उधर से डाक लेकर आ जाता मैं दिन भर एक उदिग्न दशा में उसकी राह देखा करता ही चार बजते व्याकुल होकर सड़क पर आकर खड़ा हो जाता और थोड़ी देर में कजा की कंधों पर बल्लम रखे उसकी झुंझुनी बचाता दूर से दौड़ता हुआ आता दिखलाई देता वो सांवले रंग का गठीला जवान था शरीर सांचे में ऐसा ढला हुआ कि चतुर मूर्तिकार भी उसमें कोई दोष न निकाल सकता उसकी छोटी छोटी मूछे उसके सुडोल चेहरे पर बहुत अच्छी मालूम होती थी मुझे देखकर वो और तेज दौड़ने लगता उसकी झुंझुलियाँ और तेजी से बजने लगती और मेरे हृदय में और जोर से खुशी की धड़कन होने लगती हर क्षति में मैं भी दौड़ पड़ता और एक क्षण में कजाकी का कंधा मेरा सिंहासन बन जाता वो स्थान मेरी अभिलाषाओं का स्वर्ग था स्वर्ग के निवासियों को भी शायद वो आंदोलित आनंद न मिलता होगा जो मुझे कजाकी के विशाल कंधों पर मिलता था संसार मेरी आंखों में तुच्छ हो जाता और जब कजाकी मुझे कंधों पर लिए हुए दौड़ने लगता तो ऐसा मालूम होता मानो मैं हवा के घोड़े पर उड़ा जा रहा हूं कजाकी डाकखाने में पहुंचता तो पसीने से तर रहता लेकिन आराम करने की आदत न थी थैला रखते ही वो हम लोगों को लेकर किसी मैदान में निकल जाता कभी हमारे साथ खेलता कभी बिरहे गाकर सुनाता और कभी कहानियां सुनाता उसे चोरी और डाके मारपीट भूत प्रेत की सैकड़ों कहानियां याद थीं। मैं ये कहानियां सुनकर विस्मयपूर्ण आनंद में मग्न हो जाता उसकी कहानियों के चोर और डाकू सच्चे योद्धा थे जो अमीरों को लूटकर दीन दुखी प्राणियों का पालन करते थे मुझे उन पर घृणा के बदले श्रद्धा होती थी एक दिन कजाकी को डाक का थैला लेकर आने में देर हो गई सूर्यास्त हो गया और वो दिखलाई न दिया मैं खोया हुआ सा सड़क पर दूर तक आंखें फाड़ फाड़ कर देखता था पर वो परिचित रेखा न दिखलाई पड़ती थी कान लगाकर सुनता था झुनझुन की वो आमोदमय ध्वनि न सुनाई देती थी प्रकाश के साथ मेरी आशा भी मलिन होती जाती थी उधर से किसी को आते देखता तो पूछता कजाकी आता है पर या तो कोई सुनता ही ना था या केवल सिर हिला देता था सहसा झुनझुन की आवाज़ कानों में आई मुझे अंधेरे में चारों ओर भूत ही दिखलाई देते दे थे यहां तक कि माताजी के कमरे में ताक पर रखी हुई मिठाई भी अंधेरा हो जाने के बाद मेरे लिए त्याज्य हो जाती थी लेकिन वो आवाज़ सुनते ही मैं उसकी तरफ जोर से दौड़ा हां वो कजाकी ही था उसे देखते ही मेरी विकलता क्रोध में बदल गई मैं उसे मारने लगा फिर रूट कर अलग खड़ा हो गया कजाकी ने हंसकर कहा मारोगे तो एक चीज लाया हूं वो ना दूंगा मैंने साहस करके कहा जाओ मत देना मैं लूंगा ही नहीं कजाकी अभी दिखा दू तो दौड़कर गोद में उठा लोगे मैंने पिघल कर कहा अच्छा दिखा दो कजाकी तो आकर मेरे कंधों पर बैठ जाओ भाग चलूं, आज बहुत देर हो गई है बाबूजी बिगड़ रहे होंगे मैंने अकड़ कर कहा पहले दिखा मेरी विजय हुई अगर कजाकी को देर का डर न होता और वो एक मिनट भी और रुक सकता तो शायद पांसा पलट जाता उसने कोई चीज दिखलाई जिसे वो एक हाथ से छाती से चिपटाए हुए था लंबा मुंह था और दो आंखें चमक रही थी मैंने उसे दौड़कर कजाकी की गोद से उठा लिया ये हिरन का बच्चा था आह उस खुशी का कौन अनुमान करेगा तब से कठिन परीक्षाएं पास की अच्छा पद भी पाया राय बहादुर भी हुआ पर वो खुशी फिर न हासिल हुई मैं उसे गोद में लिए उसके कोमल स्पर्श का आनंद उठाता घर की ओर दौड़ा कजाकी को आने में इतनी देर हुई इसका ख्याल ही ना रहा मैंने पूछा ये कहा मिला कजाकी कजाकी भैया यहाँ से थोड़ी दूर पर एक छोटा सा जंगल है उसमें बहुत से हिरन हैं। मेरा बहुत जी चाहता था कि कोई हिरन का बच्चा मिल जाए तो तुम्हें दो आज ये बच्चा हिरन के झुंड के साथ दिखलाई दिया मैं झुंड की ओर दौड़ा तो सब के सब भागे ये बच्चा भी भागा लेकिन मैंने पीछा न छोड़ा और हिरन तो बहुत दूर निकल गए यही पीछे रह गया मैंने इसे पकड़ लिया इसी से इतनी देर हुई यौ बातें करते हम दोनों डाकखाने पहुंचे बाबूजी ने मुझे न देखा हिरन के बच्चे को भी न देखा कजाकी ही पर उनकी निगाह पड़ी बिगड़ कर बोले आज इतनी देर कहाँ लगाई आप थैला लेकर आया है उसे लेकर क्या करूं डाक तो चली गई बता तूने इतनी देर कहाँ लगाई कजाकी के मुंह से आवाज निकली बाबूजी ने कहा तुझे तो अब शायद नौकरी नहीं करनी है नीच है ना पेट भरा तो मोटा हो गया जब भूखों मरने लगेगा तो आंखें खुलेंगी कजाकी चुपचाप खड़ा रहा बाबूजी का क्रोध और बढ़ा बोले अच्छा थैला रख दे और अपने घर की राह ले सुअर अब डाक लेके आया है तेरा क्या बिगड़ेगा जहां चाहेगा मजूरी कर लेगा माथे तो मेरे जाएगी जवाब तो मुझसे तलब होगा कजाकी ने रुआ से होकर कहा सरकार अब कभी देर ना होगी बाबूजी, आज क्यों देर की इसका जवाब दे कजाकी के पास इसका जवाब ना था आश्चर्य तो ये था कि मेरी भी जबान बंद हो गई बाबूजी बड़े गुस्से पर थे उन्हें काम करना पड़ता था इसी से बात बात पर झुंझला पड़ते थे मैं तो उनके सामने कभी जाता ही ना था वो भी मुझे कभी प्यार ना करते थे घर में केवल दो बार घंटे घंटे भर के लिए भोजन करने आते थे बाकी सारे दिन दफ्तर में लिखा करते थे उन्होंने बार बार एक सहकारी के लिए अफसरों से विनय की पर इसका कुछ असर न हुआ यहाँ तक कि तातील के दिन भी बाबूजी दफ्तर में ही रहते थे केवल माताजी उनका क्रोध शांत करना जानती थी पर वो दफ्तर में कैसे आती बेचारा कजा की उसी वक्त मेरे देखते देखते निकाल दिया गया उसका बल्लम चपरास और साफा छीन लिया गया और उसे डाक खाने से निकल जाने का नादरी हुक्म सुना दिया उस वक्त मेरा ऐसा जी चाहता था कि मेरे पास सोने की लंका होती तो कजाकी को दे देता और बाबूजी को दिखा देता कि आपके निकाल देने से कजाकी का बाल भी बांका नहीं हुआ किसी योद्धा को अपनी तलवार पर जितना घमंड होता है उतना ही घमंड कजाकी को अपनी चपरास पर था जब वो चपरास खोलने लगा तो उसके हाथ काँप रहे थे और आँखों से आंसू बह रहे थे और इस सारे उपद्रव की जड़ वो कोमल वस्तु थी जो मेरी गोद में मुंह छिपाए ऐसे चैन से बैठी हुई थी मानो माता की गोद में हो जब कजाकी चला तो मैं धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चला मेरे घर के द्वार पर आकर कजाकी ने कहा भैया अब घर जाओ सांझ हो गई मैं चुपचाप खड़ा अपने आंसुओं के वेग को सारी शक्ति से दबा रहा था कजाकी फिर बोला भैया मैं कहीं बाहर थोड़े ही चला जाऊंगा फिर आऊंगा और तुम्हें कंधों पर बैठा कर कदाऊंगा बाबू ने नौकरी ले ली है तो क्या इतना भी ना करने देंगे तुमको छोड़कर मैं कहीं ना जाऊंगा भैया जाकर अम्मा से कह देना कजाकी जाता है उसका कहा सुना माफ करें मैं दौड़ा हुआ घर गया लेकिन अम्मा जी को कुछ कहने के बदले बिलख बिलख कर रोने लगा अम्मा जी रसोई के बाहर निकलकर पूछने लगी क्या हुआ बेटा किसने मारा बाबूजी ने कुछ कहा है अच्छा रह तो जाओ आज घर आते हैं तो पूछती हूँ, जब देखो मेरे लड़के को मारा करते हैं चुप रहो बेटा अब तुम तो उनके पास कभी मत जाना मैंने बड़ी मुश्किल से आवाज संभाल कर कहा कज़ाकी, अम्मा ने समझा कजाकी ने मारा है बोली अच्छा आने दो कजाकी को देखो खड़े खड़े निकलवा देती हूं हरकारा होकर मेरे राजा बेटा को मारे आज ही तो साफा बल्लम सब छिनवा लेती हूं वाह मैंने जल्दी से कहा नहीं कजाकी ने नहीं मारा बाबूजी ने निकाल दिया उसका साफा बल्लम छीन लिया चपरास भी ले ली अम्मा ये तुम्हारे बाबूजी ने बहुत बुरा किया वो बेचारा अपने काम से इतना चौकस रहता है फिर उसे क्यों निकाला मैंने कहा आज से देर हो गई थी। कहकर मैंने हिरन के बच्चे को गोद से उतार दिया घर में उसके भाग जाने का भय ना था अब तक अम्मा जी की निगाह भी उस पर ना पड़ी थी उसे फुदकते देखकर वो सहसा चौंक पड़ी और लपक कर मेरा हाथ पकड़ लिया कि कहीं यह भयंकर जीव मुझे काट ना खाए मैं कहाँ तो फूट फूट कर रो रहा था और कहा अम्मा की घबराहट देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ा अम्मा अरे ये तो हिरन का बच्चा है कहाँ मिला मेरे हिरण के बच्चे का सारा इतिहास और उसका भीषण परिणाम आदि से अंत तक क्या सुनाया अम्मा ये इतना तेज भागता था कि कोई दूसरा होता तो पकड़ ही ना सकता सनसन हवा की तरह उड़ता चला जाता था कजाकी पांच छह घंटे तक इसके पीछे दौड़ता रहा तब कहीं जाकर बच्चा मिले अम्मा जी कजाकी की तरह कोई दुनिया भर में नहीं दौड़ सकता इसी से तो देर हो गई इसलिए बाबूजी ने बेचारे को निकाल दिया चपरास साफा बल्लम सब छीन लिया अब बेचारा क्या करेगा भूखा मर जाएगा अम्मा ने पूछा कहा है कजाकी जरा उसे बुला तो लाओ। मैंने कहा बाहर तो खड़ा है कहता था अम्मा जी से मेरा कहा सुना माफ करवा देना अब तक अम्मा जी मेरे वृतांत को दिल लगी समझ रही थी शायद वो समझती थी कि बाबूजी ने कजाकी को डांटा होगा लेकिन मेरा अंतिम वाक्य सुनकर संशय हुआ कि सचमुच तो कजाकी बर्खास्त नहीं कर दिया गया बाहर आकर कजाकी कजाकी पुकारने लगी पर कजाकी का कहीं पता न था मैंने बार बार पुकारा लेकिन कजाकी वहाँ ना था खाना तो मैंने खा लिया बच्चे शोक में खाना नहीं छोड़ते खासकर जब रबड़ी भी सामने हो मगर बड़ी रात तक पड़े पड़े सोचता रहा मेरे पास रुपए होते तो एक लाख रुपए कजाकी को दे देता और कहता बाबूजी से कभी मत बोलना बेचारा भूखो मर जाएगा देखो कल आता है कि नहीं अब क्या करेगा आकर मगर आने को तो कह गया है मैं कल उसे अपने साथ खाना खिलाऊंगा यही हवाई किले बनाते बनाते मुझे नींद आ गई दूसरे दिन मैं दिन भर अपने हिरन के बच्चे की सेवा सत्कार में व्यस्त रहा पहले उसका नामकरण संस्कार हुआ मुन्नू नाम रखा गया फिर मैंने उसका अपने सब हमजोलियों और सहपाठियों से परिचय कराया दिन ही भर में मुझसे इतना हिल गया कि मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगा इतनी ही देर में मैंने उसे अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान दे दिया अपने भविष्य में बनने वाले विशाल भवन में उसके लिए अलग कमरा बनाने का भी निश्चय कर लिया चार पाई सैर करने की फिटन आदि की भी आयोजना कर ली लेकिन संध्या होते ही मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर सड़क पर चा खड़ा हुआ और कजाकी की बाट जोहने लगा जानता था कि कजाकी निकाल दिया गया है अब उसे यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है फिर न जाने मुझे क्यों ये आशा हो रही थी कि वो आ रहा है एकाएक एक मुझे ख्याल आया कि कजाकी भूखों मर रहा होगा मैं तुरंत घर आया अम्मा दिया बत्ती कर रही थी। मैंने चुपके से एक टोकरी में आटा निकाला आटा हाथों में लपेटे टोकरी से गिरते आटे की एक लकीर बनाता हुआ भागा जाकर सड़क पर खड़ा हुआ ही था कि कज़ा की सामने से आता दिखलाई दिया उसके पास बल्लम भी था कमर में चपरास भी थी सिर पर साफा भी बंधा हुआ था बल्लम में डाक का थैला भी बंधा हुआ था मैं दौड़कर उसकी कमर से चिपट गया और विस्मित होकर बोला तुम्हें चपरास और बल्लम कहाँ से मिल गया कज़ा की? कजा की ने मुझे उठाकर कंधों पर बिठालते हुए कहा वो चपरास किस काम की थी भैया वो तो गुलामी की चपरास थी ये तो पुरानी खुशी की चपरास है पहले सरकार का नौकर था अब तुम्हारा नौकर हूं ये कहते कहते उसकी निगाह टोकरी पर पड़ी जो वहीं रखी थी बोला ये आटा कैसा है भैया मैंने सक चाहते हुए कहा तुम्हारे ही लिए तो लाया हूं तुम भूखे होगे? आज क्या खाया होगा कजाकी की आंखें तो न देख सका उसके कंधों पर बैठा हुआ था हां उसकी आवाज से मालूम हुआ कि उसका गला भरा है बोला भैया क्या रोखी ही रोटियां खाऊंगा दाल नमक घी और तो कुछ नहीं है मैं अपनी भूल पर बहुत लज्जित हुआ सच तो है बेचारा रूखी रोटियां कैसे खाएगा लेकिन नमक दाल घी कैसे लाऊं? अब तो अम्मा चौके में होगी आटा लेकर तो किसी तरह भाग आया था अभी तक मुझे ना मालूम था कि मेरी चोरी पकड़ ली गई आटे की लकीर ने सुराग दे दिया है अब ये तीन तीन चीजें कैसे लाऊंगा अम्मा से मांगूंगा तो कभी ना देंगी एक एक-एक पैसे के लिए तो घंटों रुलाती हैं इतनी सारी चीजें क्यों देने लगी एक, एक मुझे एक बात याद आई मैंने अपनी किताबों के बस्तों में कई आने पैसे रख छोड़े थे मुझे पैसे जमा करके रखने में बड़ा आनंद आता था मालूम नहीं अब वो आदत क्यों बदल गई अब भी वही हालत होती तो शायद इतना फाके मस्त न रहता बाबूजी मुझे प्यार तो कभी न करते थे पर पैसे खूब देते थे शायद अपने काम में व्यस्त रहने के कारण मुझसे पिंड छुड़ाने के लिए इसी नुस्खे को सबसे आसान समझते थे इनकार करने में, में मेरे रोने और मचलने का भय था इस बाधा को दूर ही से टाल देते थे अम्मा जी का स्वभाव इससे ठीक प्रतिकूल था उन्हें मेरे रोने और मचलने से किसी काम में बाधा पड़ने का भय न था आदमी लेटे लेटे दिन भर रोना सुन सकता है हिसाब लगाते हुए जोर की आवाज़ से ध्यान बट जाता है अम्मा मुझे प्यार तो बहुत करती थी पर पैसे का नाम सुनते ही उनकी त्योरियाँ बदल जाती थीं मेरे पास किताबें न थीं। हाँ एक बस्ता था जिसमें डाक खाने के दो चार फॉर्म तय करके पुस्तक रूप में रखे हुए थे मैंने सोचा दाल नमक और घी के लिए क्या उतने पैसे काफ़ी न होंगे मेरी तो मुट्ठी में नहीं आते ये निश्चय करके मैंने कहा अच्छा मुझे उतार दो तो मैं दाल और नमक ला दूं मगर रोज आया करोगे ना कजाकी भैया खाने को दोगे तो क्यों ना आऊंगा मैंने कहा मैं रोज खाने को दूंगा कजाकी बोला तो मैं रोज आऊंगा मैं नीचे उतरा और दौड़कर सारी पूंजी उठा लाया कजाकी को रोज बुलाने के लिए उस वक्त मेरे पास कोई ही हीरा भी होता तो उसको भेंट करने में मुझे पशुपेश ना होता कजाकी ने विस्मित होकर कहा ये पैसे कहाँ पाए भैया मैंने गर्व से कहा मेरे ही तो है कजाकी तुम्हारी अम्मा जी तुमको मारेंगी कहेंगी कजाकी ने फुसला कर मंगवा लिए होंगे भैया इन पैसों की मिठाई ले, ले लेना और मटके में रख देना मैं भूखों नहीं मरता मेरे दो हाथ हैं मैं भला भूख मर सकता हूँ मैंने बहुत कहा कि पैसे मेरे हैं लेकिन कजाकी ने ना लिए उसने बड़ी देर तक इधर उधर की सैर कराई गीत सुनाए और मुझे घर पहुंचाकर चला गया मेरे द्वार पर आटे की टोकरी भी रख दी मैंने घर में कदम रखा ही था कि अम्मा जी ने डांट कर कहा क्यों रे चोर तू आटा कहाँ ले गया था अब तो चोरी करना सीखता है बता किसको आटा दे आया नहीं तो तेरी खाल उधेड़ कर रख दूंगी मेरी नानी मर गई अम्मा क्रोध में सिंघनी हो जाती थी सिट पिटाकर बोला किसी को तो नहीं दिया अम्मा तूने आटा नहीं निकाला देख कितना आटा सारे आंगन में बिखरा पड़ा है मैं चुप खड़ा था वो कितना ही धमकाती थी चुमकारती थी पर मेरी जबान न खुलती थी आने वाली विपत्ति के भय से प्राण सूख रहे थे यहां तक कि यह भी कहने की हिम्मत न पड़ती थी कि बिगड़ती क्यों हो आटा तो द्वार पर रखा हुआ है और ना उठाकर लाते ही बनता था मानो क्रिया शक्ति ही लुप्त हो गई हो मानो पैरों में हिलने की सामर्थ्य ही नहीं सहसा कजाकी ने पुकारा बहू जी आटा द्वार पर रखा हुआ है भैया मुझे देने को ले गए थे ये सुनते ही अम्मा द्वार की ओर चली गई कजाकी से वो पर्दा न करती थी उन्होंने कजाकी से कोई बात की या नहीं ये तो मैं नहीं जानता लेकिन अम्मा जी खाली टोकरी लिए हुए घर में आई फिर संदूक से कुछ निकाला और द्वार की ओर गई मैंने देखा कि उनकी मुट्ठी बंद थी अब मुझसे वहां खड़े न रहा गया अम्मा जी के पीछे पीछे मैं भी गया अम्मा ने द्वार पर कई बार पुकारा मगर कज़ा की चला गया था मैंने बड़ी अधीरता से कहा मैं जाकर खोज लाऊ अम्मा जी अम्मा जी ने किवाड़े बंद करते हुए कहा तुम अंधेरे में कहा जाओगे अभी तो यहीं खड़ा था मैंने कहा कि यहीं रहना मैं आती हूं तब तक न जाने कहाँ खिसक गया बड़ा संकोची है आटा तो लेता ही न था मैंने जबरदस्ती उसके अंगूछे में बांध दिया मुझे तो बेचारे पर बड़ी दया आती है ना जाने बेचारे के घर में कुछ खाने को है कि नहीं रुपए लाए थी कि दे दूंगी पर ना जाने कहाँ चला गया अब तो मुझे भी साहस हुआ मैंने अपनी मैंने अपनी चोरी की पूरी कथा कह डाली बच्चों के साथ समझदार बच्चे बनकर माँ बाप उन पर जितना असर डाल सकते हैं जितनी शिक्षा दे सकते हैं उतने बूढ़े बनकर नहीं अम्मा जी ने कहा तुमने मुझसे पूछ क्यों ना लिया क्या मैं कजाकी को थोड़ा सा आटा ना देती मैंने इसका उत्तर ना दिया दिल में कहा इस वक्त तुम्हें कजाकी पर दया आ गई है जो चाहे दे डालो लेकिन मैं मांगता तो मारने दौड़ती हाँ ये सोचकर चित्त प्रसन्न हुआ कि अब कजाकी भूखो न मरेगा अम्मा जी उसे रोज खाने को देंगी और वो रोज मुझे कंधों पर बिठाकर सैर कराएगा दूसरे दिन मैं दिन भर मुन्नू के साथ खेलता रहा शाम को सड़क पर आकर खड़ा हो गया मगर अंधेरा हो गया और कजाकी का कहीं पता नहीं दिए जल गए रास्ते में सन्नाटा छा गया पर कजाकी ना आया मैं रोता हुआ घर आया अम्मा जी ने पूछा क्यों रोते हो बेटा क्या कजाकी नहीं आया मैं और जोर से रोने लगा अम्मा जी ने मुझे छाती से लगा लिया मुझे ऐसा मालूम हुआ कि उनका अभी कंठ गदगद हो गया है उन्होंने कहा बेटा चुप हो जाओ मैं कल किसी हरकारी को भेजकर कजाकी को बुलवाऊंगी मैं रोते ही रोते सो गया सबे ही आंखें खुली मैंने अम्मा जी से कहा कजाकी को बुलवा दो अम्मा ने कहा आदमी गया है बेटा कजाकी आता होगा खुश होकर खेलने लगा मुझे मालूम था कि अम्मा जी जो बात कहती है उसे पूरा जरूर करती है उन्होंने सवेरे ही एक हरकारी को भेज दिया था दस बजे जब मैं मुन्नू को लिए हुए घर आया तो मालूम हुआ कि कजा के अपने घर पर नहीं मिला वो रात को भी घर न गया था उसकी स्त्री रो रही थी कि न जाने कहाँ चले गए उसे भय था कि वो कहीं भाग गया है बालकों का हृदय कितना कोमल होता है इसका अनुमान दूसरा नहीं कर सकता उनमें अपने भावों को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं होते उन्हें यह भी ज्ञात नहीं होता कि कौन सी बात उन्हें विकल कर रही है कौन सा कांटा उनके हृदय में खटक रहा है क्यों बार बार उन्हें रोना आता है क्यों वे मन मारे बैठे रहते हैं क्यों खेलने में जी नहीं लगता मेरी भी यही दशा थी कभी घर में आता कभी बाहर जाता कभी सड़क पर जा पहुंचता आंखें कजाकी को ढूंढ रही थी वो कहाँ चला गया कहीं भाग तो नहीं गया तीसरे पहर को मैं खोया हुआ सा सड़क पर खड़ा था सहसा मैंने कजाकी को एक गली में देखा हाँ वो कजाकी ही था मैं उसकी ओर चिल्लाता हुआ दौड़ा पर गली में उसका पता न था न जाने किधर गायब हो गया मैंने गली के सिरे से उस सिरे तक देखा मगर कहीं कजाकी की गंध तक न मिली घर जाकर मैंने अम्मा जी से ये बात कही मुझे ऐसा जान पड़ा कि वो ये बात सुनकर बहुत चिंतित हो गई इसके बाद दो तीन दिन तक कजाकी न दिखलाई दिया मैं भी अब उसे कुछ कुछ भूलने लगा बच्चे पहले जितना प्रेम करते हैं बाद को उतने ही निष्ठुर भी हो जाते हैं जिस खिलौने पर प्राण देते हैं उसी को दो चार दिन के बाद पटक कर फोड़ भी डालते हैं दस बारह है दिन और बीत गए दोपहर का समय था बाबूजी खाना खा रहे थे मैं मुन्नू के पैरों में पीनेस की पैजनियाँ बांध रहा था एक औरत घूंघट निकाली हुई आई और आंगन में खड़ी हो गई उसके कपड़े फटे और मैले थे पर गोरी सुंदर स्त्री थी उसने मुझसे कहा भैया जी कहां है मैंने उसके पास जाकर उसका मुंह देखते हुए कहा तुम कौन हो क्या बेचती हो औरत कुछ बेचती नहीं हूं तुम्हारे लिए कमल गट्टे लाई हूं भैया तुम्हें तो कमल गट्टे बहुत अच्छे लगते हैं ना मैंने उसके दोनों हाथों से लटकती हुई पोटली को उत्सुक नेत्रों से देखकर पूछा कहां से लाई हो देखें औरत तुम्हारे हरकारी ने भेजा है भैया मैंने उछल पूछा कजाकी ने औरत ने सिर हिलाकर हाँ कहा और पोटली खोलने लगी इतने में अम्मा जी भी रसोई से निकल आई उसने अम्मा जी के पैरों का स्पर्श किया अम्मा ने पूछा तू कजाकी की घरवाली है औरत ने सिर झुका लिया अम्मा आजकल कजाकी क्या करता है औरत ने रो रो कर कहा बहू जी जिस दिन से आपके पास से आटा लेकर गए हैं उसी दिन से बीमार पड़े हैं बस भैया भैया किया करते हैं भैया ही में उनका मन बसा रहता है चौंक चौंक कर भैया भैया कहते हुए द्वार की ओर दौड़ते हैं न जाने उन्हें क्या हो गया है बहू जी एक दिन मुझसे कुछ कहा ना सुना घर से चल दिए और एक गली में छिप भैया को देखते रहे जब भैया ने उन्हें देख लिया तो भागे तुम्हारे पास आते हुए लजाते जाते हैं मैंने कहा हाँ हाँ मैंने उस दिन तुमसे जो कहा था अम्मा जी अम्मा घर में कुछ खाने पीने को है औरत हाँ बहू जी तुम्हारे आशीर्वाद से खाने पीने का दुख नहीं है आज सवेरे उठे और तालाब की ओर चले गए बहुत कहती रही बाहर मत जाओ हवा हाँ लग जाएगी मगर ना माने मारे कमजोरी के पैर कांपने लगते हैं मगर तालाब में घुसकर कर ये कमल गट्टे तोड़ लाए तब मुझसे कहा ले जाकर भैया को दिया उन्हें कमल गट्टे बहुत अच्छे लगते हैं कुशल शैम पूछती आना मैंने पोटली से कमल गट्टे निकाल लिए थे और मजे से चख रहा था अम्मा ने बहुत आंखें दिखाई मगर यहाँ इतनी सब्र कहाँ अम्मा ने कहा कह देना सब कुशल है मैंने कहा यह भी कह देना कि भैया ने बुलाया है ना जाओगे तो फिर तुमसे कभी ना बोलेंगे हाँ बाबूजी खाना खाकर निकल आए थे तौलिए से हाथ मुंह पहुँचते हुए बोले और ये भी कह देना कि साहब ने तुमको बहाल कर दिया है जल्दी जाओ नहीं तो कोई दूसरा आदमी रख लिया जाएगा औरत ने अपना कपड़ा उठाया और चली गई अम्मा ने बहुत पुकारा पर वो ना रुकी शायद अम्मा जी उसे सीधा देना चाहती थी अम्मा ने पूछा सचमुच बहाल हो गया बाबू और क्या झूठे ही बुला रहा हूं मैंने तो पांचवें ही दिन बहाली की रिपोर्ट की थी अम्मा तुमने ये अच्छा किया बाबू उसकी बीमारी की यही दवा है प्रातःकाल में उठा तो क्या देखता हूं कि कजा की लाठी टेकता हुआ चला आ रहा है वो बहुत दुबला हो गया था मालूम होता था बूढ़ा हो गया है हरा भरा पेड़ सूख कर ठूंठा हो गया था मैं उसकी ओर दौड़ा और उसकी कमर से चिमट गया कजाकी ने मेरे गाल चूमे और मुझे उठाकर कंधों पर बिठाने की चेष्टा करने लगा पर मैं न उठ सका तब वो जानवरों की भांति भूमि पर हाथ और घुटने के बल खड़ा हो गया और मैं उसकी पीठ पर सवार होकर डाक खाने की ओर चला मैं उस वक्त फूला न समाता था और शायद कजाकी मुझसे भी ज्यादा खुश था बाबूजी ने कहा कज़ा के तुम बहाल हो गए अब कभी देर न करना कज़ा की रोता हुआ पिताजी के पैरों पर गिर पड़ा मगर शायद मेरे भाग में दोनों का सुख भोगना न लिखा था मुन्नू मिला तो कज़ा की छूटा कज़ा की आया तो मुन्नू हाथ से गया और ऐसा गया कि आज तक उसके जाने का दुख है मुन्नु मेरी ही थाली में खाता था जब तक मैं खाने न बैठूं वो भी कुछ न खाता था उसे भात से बहुत ही रुचि थी लेकिन जब तक खूब घी ना पड़ा हो उसे संतोष न होता था वो मेरे ही साथ सोता था और मेरे ही साथ उठता भी था सफाई तो उसे इतनी पसंद थी कि मल मूत्र त्याग करने के लिए घर से बाहर मैदान में निकल जाता था कुत्तों से उसे थी कुत्तों को घर में न घुसने देता कुत्तों को देखते ही थाली से उठ जाता और उसे दौड़ाकर घर से बाहर निकाल देता था कजाकी को डाकखाने में छोड़कर जब मैं खाना खाने गया तो मुन्नू भी आ बैठा अभी दो चार ही कौर खाए थे कि एक बड़ा सा झबरा कुत्ता आंगन में दिखाई दिया मुन्नु से देखते ही दौड़ा दूसरे घर में जाकर कुत्ता चूहा हो जाता है झबरा कुत्ता उसे आते देख भागा मुन्नू को अब लौट आना चाहिए था मगर वो कुत्ता उसके लिए अमराज का दूध था मुन्नू को उसे घर से निकालकर भी संतोष न हुआ वो उसे घर के बाहर मैदान में भी दौड़ाने लगा मुन्नू को शायद ख्याल ही न रहा कि यहाँ मेरी अमलदारी नहीं है वो उस क्षेत्र में पहुंच गया था जहाँ झबरे का भी उतना ही अधिकार था जितना मुन्नू का मुन्नू कुत्तों को भगाते-भगाते कदाचित अपने बाहुबल पर घमंड करने लगा था वो ये ना समझता था कि घर में उसकी पीठ पर घर के स्वामी का भय काम किया करता है झबरे ने इस मैदान में आते ही उलट कर मुन्नू की गर्दन दबा दी बेचारी मुन्नू के मुंह से आवाज तक न निकली जब पड़ोसियों ने शोर मचाया तो मैं दौड़ा देखा तो मुन्नु मरा पड़ा था और झबरे का कहीं पता नहीं अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी कसाकी, वाचन समीर गोस्वामी का था Ace is the place with the helpful hardware, folks. Ace is the only national retailer that carries Benjamin Moore paint, which means the paint you trust and a huge selection of colors are right in your neighborhood. And this Saturday only, you can pick up a free sample of Benjamin Moore at your local Ace. It's a great way to explore quality colors and find the perfect one for your place. So if you're looking for award-winning service and a new look for your home, look no further than Benjamin Moore paint at Ace. Offer valid August 1st for Ace Rewards members limit 1 at participating stores while supplies last.